हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली छोटा भी नहीं है, मैं इसको आराम से एक्सप्लेन करूँगा। इस सबने सुना होगा कि यस्टरडे 8 अगस्त को हमारे नए सीएजी अपॉइंट हुए। आज संडे है 9 अगस्त, ठीक है। नए सीएजी अपॉइंट हुए श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो मैं इसको लेके कई स्टूडेंट को डाउट है कि पुराने वाले सीएजी का क्या हुआ, क्या उसको बीच में हटाया गया, क्योंकि सीएजी का टर्म तो 6 साल का होता है, तो उनका तो अभी 4 ही साल हुआ था, कैसे हट गया नहीं हट गया। तो मैं सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखते रहना, छोटा से छोटा डाउट जो इस टॉपिक के अंदर देना सब क्लियर करूंगा। तो एकदम थॉरो रिसर्च करके बोल रहा हूं। इंटरमीडिएट ऑडिट और फाइनल ऑडिट दोनों के सिलेबस में ही एक कोइंसिडेंस है कि देयर इज अ चैप्टर नंबर 13। इंटर ऑडिट के सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 13 है उसको बोला जाता है ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। और सीए फाइनल ऑडिट में भी एक चैप्टर 13 है जिसके अंदर आता है ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑडिट ऑफ पीएसयू। अब दोनों इंटर ऑडिट के और फाइनल ऑडिट के जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव सीएजी इन देयर सिलेबस, ठीक है। हमारे पहले सीएजी कौन थे, पुराने सीएजी जो हम लोग क्लास में पढ़ते थे, डिस्कशन भी हुआ है, वो कौन थे? श्री राजीव महर्षि, ठीक है। तो अब स्टोरी क्या है पूरा समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जितने भी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, मैं छोटे छोटे बात बता रहा हूं। पहली बात तो सर, ये कॉम्प्ट्रोलर वर्ड का मतलब बताओ तो हम लोगों को क्या है, बहुत जन को डाउट है ना, लो सीख लो। कॉम्प्ट्रोलर वर्ड का मतलब होता है अकाउंटेंट मुनीम। कॉम्प्ट्रोलर वर्ड का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंट मुनीम। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सीएजी का मतलब हुआ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर, दैट मीन्स अकाउंटेंट एंड ऑडिटर। मतलब सीएजी वो व्यक्ति है जो अकाउंटेंट भी है और ऑडिटर भी है। हम लोग जानते हैं जो ऑडिट करता है वो अकाउंट्स नहीं, और जो कंपनी का अकाउंट्स बनाता है वो ऑडिट नहीं। बट ही इज द ओनली पर्सन इन इंडिया जिसके नाम में दोनों डेजिग्नेशन है, अकाउंटेंट भी और ऑडिटर भी। क्योंकि ये खुद ऑडिट नहीं करते, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, ये ऑडिटर्स को नियुक्त करवाते हैं, अपॉइंट करवाते हैं। सो ही इज अकाउंटेंट इन द सेंस दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर फॉर देम। दैट इज वाई ही इज द ओनली पर्सन जिसके नाम में कॉम्प्ट्रोलर अकाउंटेंट भी है और ऑडिटर भी है, दोनों है। ही इज अकाउंटेंट एज वेल एज ऑडिटर, ठीक है। अब अगर इनका नाम हम लोग रखते अकाउंटेंट एंड ऑडिटर तो अजीब लगता है ना, इसीलिए रखा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर, सीएजी। तो ये तुम्हारा नाम क्लियर हो गया डाउट, ओके। इंटरफाइनल दोनों के सिलेबस में आता ही है। अब देखो पहले वाले सीएजी जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये जितने भी सीएजी होते हैं ना, दे आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर आईएएस। इनको खुद ऑडिट नहीं करना है, इनको करवाना है। गवर्नमेंट का एक बहुत ही जोरदार एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी बोलते हैं, वैसे एसएससी भी होता है स्टेट सिविल सर्विसेज का। तो ये यूपीएससी और सीएसएससी इतना बड़ा एग्जाम है, आईएएस क्लियर करना मतलब मैं क्या बताऊं, मजाक नहीं करूंगा और ना ही मैं डिग्रेड कर रहा हूं, बट आईएएस एग्जाम क्लियर करना इज मच टफ देन सीए। सीएबीए से बहुत टफ है ये, आईएएस का एग्जाम क्लियर करना बहुत हार्ड। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी ऊंचे पोजीशंस होते हैं इस तरह के ऑनरी पोजीशंस टाइप के जो होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, उसमें हमेशा ये लोग प्रीवियस बैच के आईएएस ऑफिसर्स को ही अपॉइंट करते हैं। तो आप देखो ये जो हमारे पुराने सीएजी हैं जिनका टर्म खत्म हुआ, श्री राजीव महर्षि, ये 1978 बैच के आईएएस हैं। जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं नए सीएजी, वो 1985 बैच के आईएएस हैं, ठीक है। अच्छा सीएजी का टर्म क्या होता है, इसको लेके बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सीएजी का टर्म हम सब ने सुना है 6 साल, 6 ईयर्स। तो फिर ऐसा कैसे कि ये सिर्फ 4 साल के लिए हुए, ये 4 साल में क्यों अड़ गए? तो आप देखते हैं, एक्चुअली सीएजी का टर्म होता है 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और अंटिल द अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। मतलब 6 साल या फिर जब वो 65 साल के हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। तो आओ इनका स्टडी करते हैं। राजीव महर्षि जी का अपॉइंटमेंट डेट तो था 25 सितंबर 2017, जहां से अगर आप 6 साल गिनो तो इट विल कम टू 24 सितंबर 2023, बट हिज बर्थडे वॉज 8 अगस्त 1955। सो बर्थडे 8 अगस्त 1955 का है, तो वो 65 ईयर्स के कब होंगे आप खुद ही देख लो, 8 अगस्त 20 को। तो अब आपको इन दो डेट्स में से अर्लियर लेना है, तो क्लियर कट अर्लियर कौन सा है, 2020, 8 अगस्त 2020 को वो 65 साल के हो चुके थे।
इसीलिए वो रिटायर कर गए। तो उनको हटाया नहीं किया, इम्पीचमेंट नहीं है। सीएजी को हटाना बहुत मुश्किल है, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी का वोटिंग चाहिए, और वो भी प्रोवन ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर पे हटेंगे। तो हटे नहीं है, मतलब हटाया नहीं गया, उनका टर्म खत्म हुआ है। टर्म 6 साल की वजह से खत्म नहीं हुआ, इसलिए हुआ बिकॉज ही अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये देखो पूरा कैलकुलेशन तुम्हारे सामने मैं रख के दे रहा हूँ, ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा कैलकुलेशन। ये जिस तरह से है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि क्यों हट गए, तो एंड यू विल नॉट फाइंड द कैलकुलेशन एनीवेयर। ये देख लो कैलकुलेशन, तो ऐसे तो वो हटते 2023 में, बट बिकॉज उनका एज हो गया 65, दैट्स व्हाई वो रिटायर कर गए ऑन 8 अगस्त। सो यस्टरडे ही रिटायर्ड। नाउ नेक्स्ट जो नए आए हैं, चलो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले LG बने थे ये। यूनियन टेरिटरीज में LG होते हैं, जैसे दिल्ली में LG है, तुमको पता होगा अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा LG के साथ खटपट रहता है। तो दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, मतलब GST पर्पज के लिए नहीं, पर अदरवाइज इज अ यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले LG थे GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 1985 बैच के IAS हैं, ये भी IAS हैं, ही इज ऑल्सो IAS, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ही इज द न्यू कॉम्प्ट्रोलर। अच्छा, इनका नाम याद करना बहुत जरूरी है, तुम देख लो गिरीश चंद्र मुर्मू। मैं बोलूँगा जो बंगाल के स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं उनके लिए आसान है बहुत याद करना। हमारे बंगाल में एक बहुत ही फेमस एजुकेटर थे, आचार्य गिरीश चंद्र बोस, आचार्य गिरीश चंद्र बोस, हमारे कैलकाटा में ये नाम बहुत फेमस है। इनके नाम से रोड है, ठीक है, AJC बोस रोड। जो लोग कैलकाटा के हैं बंगाल के समझते होंगे, AJC बोस रोड है, ठीक है। गिरीश नाम बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस, आचार्य गिरीश चंद्र बोस। तो इनका नाम भी सेम है गिरीश चंद्र, बस बोस नहीं है, मुर्मू है। तो ये तो मैंने इसलिए बताया ताकि तुमको याद रखने में हेल्प हो, ठीक है, क्योंकि मुर्मू टाइटल थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना, पर गिरीश चंद्र आराम से याद रह जाएगा। तो बहुत ही अच्छे पेट्रियॉट थे गिरीश चंद्र बोस, उन्हीं के नाम से गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो हमारे नए CAG का नाम क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ओके। नाउ अब इनका भी जरा टेनर कब तक रहेगा, चलो आपने कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो इनका अपॉइंटमेंट कब का है सर, 8 अगस्त, यस्टरडे हुआ है, तो वहां से 6 साल जोड़ो, 7 अगस्त 2026 ये आना चाहिए। बट इनके बर्थडे को चेक करते हैं, ये पैदा हुए थे 21 नवंबर 1959 को, तो ये 65 ईयर्स के कब होंगे, 21 नवंबर 2024 को। तो 2026 और 2024, विच एवर इज अर्लियर, द आंसर इज 21 नवंबर 2024। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई झमेला नहीं हुआ तो 21 नवंबर 2024 तक यही हमारे CAG रहेंगे। तो आज अभी मैं, आज की तारीख है 9 अगस्त 2020 चल रहा है, तो समझ लो 4.25 साल के आसपास इनका टेनर आएगा सॉल्व होके, ठीक है। अगस्त चल रहा है ना, तो वही समझ लो 4.25 ईयर, 1.25 साल का इनका टेनर आएगा, तो तब जाके ये रिटायर करेंगे। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू IAS, ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर IAS। तो ये चेंज हुआ था CAG में, बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा कि 6 साल पढ़ाया था क्लास में, 6 साल पढ़ाया था तो हट कैसे गया, वो राजीव महर्षि चेंज कैसे हो गए, उनका तो 6 साल पूरा नहीं हुआ। तो लो देख लो पूरा 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, तो पूरा बर्थडे निकाल के ढूंढ के कैलकुलेट करके तब तुमको दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये हटे हैं, इनका टर्म खत्म हुआ है, इनको रिमूव नहीं किया गया, इनका एज हो गया इससे टर्म खत्म हुआ है और अब नए आ गए हैं, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। सो दिस अमेंडमेंट, ये जो नॉलेज है, ये जो छोटा सा जानकारी है, ये तुम लोग के लिए रेलेवेंट है। आज मतलब आज तक एग्जाम में तो पूछा नहीं कि हु इज़ द करेंट CAG, पर क्या है ना MCQs आते हैं आजकल, तो क्या पता MCQ में पूछ ले, इसीलिए नाम याद रखो गिरीश चंद्र मुर्मू। और रिटायरमेंट टेनर कैसे निकलता है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स की एज, जो भी पहले अर्लियर हो जाए उसी पे वो हट जाएंगे। ये इंटर के स्टूडेंट और फाइनल के स्टूडेंट दोनों के लिए रेलेवेंट है। आई होप इट वॉज अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।